भागलपुर के नौगछिया में अपराधियों के बढ़ते आतंक से डरे सहमे कोसी पार के किसानों की गुहार पर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में एसडीपीओ सहित सभी थानों की पुलिस जवानों ने दियरा के दुर्गम इलाकों में ट्रैक्टर और पैदल जाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और किसानों से बात कर उनकी समस्या को सुना। वो गलत भी है, जंगल में तो हम लोग उधर भी नहीं जाते हैं कि कायल जाएंगे उससे, लेकिन समय आता है तो अपने पलायमान हो जाता है, उसका भी समय आ जाएगा तो अपने पकड़ा जाएगा। अपराधी से डर लग रहा था क्या? अपराधी से तो किसी को भी डर लगेगा सर, हमको क्या किसी को भी डर। किसानों ने कहा कि अपराधी फसल काट कर ले जाते हैं, अपराधियों के कहने पर भैंस चलाने वाले फसल को बर्बाद करते हैं। वहीं किसानों ने कहा कि जब इसको लेकर विरोध किया जाता है तो अपराधियों के द्वारा धमकी दी जाती है। वहीं एसपी ने किसानों की समस्या को सुनने के बाद कहा कि पुलिस किसानों के साथ है, पिछले बार भी जिस तरह अपराधी के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेंक दिया था, इस बार भी कोई अपराधी किसी भी किसान का फसल ना ही काट सकता है और ना ही बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है, जिसको लेकर देरा में दो जगह पर पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया है। वहीं किसानों को परेशान करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलवाई जाएगी। समस्या होती क्या, देखिए यहाँ पर जो खेतिहर है, जो किसान है, वो गांव में रहते हैं, नहीं आ पाते हैं। उसके नहीं आने से क्या होता है, जो अपराधी तत्व वो हावी हो जाता है, कहीं कहीं क्राइम कर देता है। वो पिछला बार फोर्स भी था, पब्लिक भी अपने खेत पर थे, कहीं कुछ नहीं हुआ था। फिर फोर्स आ जाएगी, पब्लिक भी खेत पर आ जाएंगे, कहीं कोई क्राइम नहीं होगा, एक दाना रंगदारी किसी को नहीं मिलेगा। जो भी ये काम में मतलब करेंगे, कोई अपराधी हो वो बचेगा भी नहीं, गिरफ्तार करेंगे उसको जेल भी भेजेंगे और ऐसे कानून जो पकड़ाएंगे एसपीडी तक सजा दिलाएंगे। एसपी ने कहा है किसान अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाए, खाली जगह होने पर अपराधी हावी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछली बार किसानों के घरों में फसल गया था, इस बार भी फसल किसानों के घर में ही जाएगी। किसी भी अपराधी को फसल काटने से रोकने के लिए पुलिस किसानों के साथ है।